जी कैफ फोर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 27। आज हम चैप्टर 5 कंक्लूड करने जा रहे हैं। छोटा सा चैप्टर था, कल हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, आज इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और एक दो कंसेप्ट रह गए थे हमारे छोटे छोटे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, ट्रिकी कंसेप्ट है इसमें, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन वो ट्रिकी, लेकिन कंसेप्ट है तो हमने सीखना है। हो सकता है हमसे डायरेक्ट रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन मांग ले, तो रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने कल पढ़े थे, ऐसे ही है। उसने हमें चार तरह के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप करवाए बताए थे। एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, और ये हमने आज डिस्कस करना है। लेकिन आज के टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं क्विक रिव्यू करना चाह रहा हूं, आपसे पूछना चाह रहा हूं प्रीवियस टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसका क्या रूल है प्यारे भाई, क्या रूल है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग? अगर टाइम फिक्स किया तो, अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इवेंट हैपन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल, और अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इवेंट अगर नहीं हुआ फोर्सेबल, और अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो भी इनफोर्सेबल नहीं होगा, पक्की बात है। और अगर टाइम फिक्स नहीं किया हुआ तो जब भी इवेंट अगर होगा तब इनफोर्सेबल होगा, क्लियर हो गया ये? दूसरा कंसेप्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। नॉन हैपनिंग में क्या रूल था, अगर टाइम फिक्स किया हुआ है और फिक्स टाइम के अंदर इवेंट हैपन नहीं होता फोर्सेबल होगा, फिक्स टाइम के अंदर इवेंट हैपन हो जाता है फोर्सेबल नहीं होगा, और अगर फिक्स टाइम के अंदर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है फिर इनफोर्सेबल होगा, क्योंकि पता हो गया ना हैपन नहीं होगा, और अगर टाइम फिक्स नहीं किया तो जब इम्पॉसिबल होगा तब इनफोर्सेबल, क्लियर है ना सारी कहानी? बैठे ना टी बना के आपने जेन में रखना है, और जो एग्जाम्पल आपको दो फिट करवाई थी उन्हीं एग्जाम्पल से समझ लेना कंसेप्ट, आगे चलते हैं। एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट वैलिड है कि वाइड? जब एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट वाइड है तो एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल एक्ट ये भी तो वाइड होगा, ये भी वाइड होगा। अगर तुम चांद तारे तोड़ के ले आओ तो आई विल मैरी यू, ये एग्रीमेंट क्या है, कंटिंजेंट है ना, लेकिन कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल थिंग, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ठीक है। तो जो जैसे इम्पॉसिबल थिंग्स के एग्रीमेंट वाइड होते हैं ना, तो उसी तरह कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल भी वाइड होंगे, कि मेन एग्रीमेंट तो वैलिड हो, कंडीशन लगा दी जाए इम्पॉसिबल की, तो वो भी वाइड हो गया, वो भी वाइड हो गया, ठीक है। अगर तुम साबित कर दो कि दो सीधी लाइंस आगे जाके अल्टीमेटली एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो मैं आपको ये सामान 10 रुपए में बेच दूंगा। सामान बेचने वाला एग्रीमेंट वैलिड, मतलब वो लेदर है, वो मेन है, लेकिन ये कंटिंजेंट बहुत इम्पॉसिबल थिंग हो गया, तो ये क्या हुआ, वाइड। अच्छा एक ये वाइड, अच्छा एक एग्रीमेंट, दो एग्रीमेंट आपके सामने रख रहा हूं, हमें दोनों में फर्क बताना है। अगर आप ये साबित कर दे दो स्ट्रेट लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, एक एग्रीमेंट ये है। दूसरा एग्रीमेंट, अगर आप ये साबित कर दे दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो मैं ये दुकान आपको 50,00,000 में बेच दूंगा। दोनों में क्या फर्क है, पहले वाला वॉइड है, कंटिंजेंट नहीं है, दूसरे वाला कंटिंजेंट है, दूसरा है दोनों में इम्पॉसिबल इवेंट, लेकिन दूसरे वाला कंटिंजेंट है क्योंकि उसमें कोलैटरल इवेंट है, और पहले वाला कंटिंजेंट नहीं है क्योंकि उसमें कोलैटरल इवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट मैंने लिंक करवाया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को किसके साथ, वो चैप्टर 2 में पढ़ा था या 3 में, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स आर वॉइड, ठीक है। वो और कंसेप्ट है, वो है दोनों एग्रीमेंट वॉइड, लेकिन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग और कंसेप्ट है, और एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल थिंग और कंसेप्ट है, क्लियर हुआ? कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफर, इसकी एक ही एग्जाम्पल है, एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन डेफिनेट। अगर कॉन्ट्रैक्ट, सुनिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है किसी के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर, ठीक है, और वो बंदा कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है, ऐसा एक्ट करता है, ऐसा जिसकी वजह से वो एग्रीमेंट विद इन रीजनेबल पीरियड फुलफिल होना मुश्किल हो जाए, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा,
एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। फर्ज कीजिए मैंने इन भाईजान के साथ एग्रीमेंट किया कि अगर ये अपनी गाड़ी मुझे सेल कर दें, मुझे अगर ये अपनी गाड़ी मुझे सेल कर दें तो मैं इन रिटर्न अपनी हवेली जो है वो इनको 5 करोड़ में बेच दूंगा। हवेली बेचने का एग्रीमेंट ये मेन है, कंटिंजेंट किसके ऊपर है? अगर ये गाड़ी मुझे दे दें, अगर ये गाड़ी मुझे इन, इसका मतलब है हवेली वाला एग्रीमेंट इनके फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये अगर मुझे गाड़ी बेचेंगे, फिर अगर ये गाड़ी किसी और को बेच देते हैं तो बताइए हवेली वाला एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? इन्होंने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से अब मेन एग्रीमेंट विद इन रीजनेबल पीरियड परफॉर्म करना मुश्किल हो गया, तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। हालांकि ये पॉसिबल है कि बाद में ये दोबारा उस बंदे से गाड़ी खरीद ले और फिर मुझे बेच दे, ये पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो यही वो बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ पर्सन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जो कंटिंजेंट है किसी पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर, सच इवेंट शैल बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, उस इवेंट को इम्पॉसिबल समझा जाएगा इफ दैट पर्सन डज एनीथिंग बाय विच इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन डेफिनेट टाइम। यानी उस बंदे ने जो गाड़ी बेच दी तो अब इस हवेली वाले एग्रीमेंट को इम्पॉसिबल समझा जाएगा, क्यों? क्योंकि अब गाड़ी जो है रीजनेबल टाइम में, मुश्किल है। अच्छा, इसे एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ए ने बी से एग्रीमेंट किया, ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि 2 साल के बाद ए और बी शादी कर लेंगे। ठीक है, 2 साल के बाद ये एग्रीमेंट वैलिड है। 2 साल समय लीजिए कि उन्होंने कंडीशन ऐड कर दी कंटिंजेंट बनाने के लिए, 2 साल, 2 साल के बाद हो, उन्होंने कोई डेट डिसाइड कर ली 2 साल के बाद वाले। बी है एक फीमेल, उसने 1 साल के बाद किसी और से शादी कर ली। अब देखिए बी ने फ्यूचर कंडक्ट बी का ऐसा है कि जिसकी वजह से पहला एग्रीमेंट रीजनेबल टाइम में परफॉर्म होना मुश्किल हो गया ना। अब मुझे बताइए अगर बी ने किसी और से शादी कर ली तो पहले वाला जो एग्रीमेंट जो कंटिंजेंट था पहले, अब वैलिड है कि वॉइड है? अब वॉइड हो गया, अब ये क्या हो गया? वॉइड हो गया। हालांकि ला यहां पे कहता है आगे एक्सप्लेन करते हुए कि पॉसिबल है बी ने सी से शादी की है, 1 साल के अंदर अंदर सी मर जाए और बी ए से 2 साल के बाद फिर शादी करे। अगर सी मर गया तो 2 साल गुजरने के बाद बी ए को यह कह सकती है कि अपना वादा पूरा करो? लॉ कहता है नहीं, इसलिए कि जिस वक्त बी ने सी से शादी की उस वक्त ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया, क्योंकि उस वक्त इस एग्रीमेंट का अब रीजनेबल टाइम में पूरा होना इम्पॉसिबल हो गया। ये बात समझ, इस एग्जांपल को जहन में रखिए, आप दोबारा पढ़े कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर। अब देखिए फ्यूचर कंडक्ट का मतलब शादी फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करी होती है ना। सच इवेंट शैल बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, शादी करना बी का ए से शादी करना उस वक्त इंपॉसिबल समझा जाएगा। किस वक्त? इफ दैट पर्सन डज एनी, इफ बी कुछ ऐसा करे, क्या? बाय विच इट बिकम्स इंपॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन एनी डेफिनेट, जिसकी वजह से पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इंपॉसिबल हो जाए। तो बी, ये किस वजह से हो सकता है? जब बी सी से शादी कर ले, तो अब बी का ए से शादी करना इंपॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया? हालांकि बाद में हालात बदलने की वजह से चाहे ये पॉसिबल हो भी जाए, लेकिन लॉ कहता है जिस वक्त उसने बी ने सी से शादी की उस वक्त ये इंपॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब ए अगर चाहे तो बी के खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सकता है। ये फ्यूचर कंडक्ट वाली बात समझ आई? फ्यूचर कंडक्ट की एग्जांपल हमेशा आपने मैरिज वाली एग्जांपल से एक्सप्लेन, फ्यूचर कंडक्ट की और कोई एग्जांपल? क्लियर हो गया ये? चलिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट थे हमारे छोटे छोटे जो कल रह गए थे, क्योंकि कल हम ज्यादा टेक्निकल वाला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था वो भी ऐड। ये क्लियर हो गए सारे चारों केसेस? एग्जाम में अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछे तो चारों केसेस रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बता देंगे उसको। अच्छा चलिए, अब बताइए अब हमने क्या करना? केस स्टडी। अब देखिए पहले चेक करिए चैप्टर पूरा हो गया, अब करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद करते हैं एमसीक्यूज। ऐसा कीजिए मैं तब तक क्वेश्चन सेट करता हूँ,
आपके पास 3 मिनट का टाइम है, इसके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए अभी बैठे बैठे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये भी अभी थोड़ी देर के लिए लेक्चर को पास करें और इस चैप्टर 5 के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, बल्कि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के बाद इसके जो क्वेश्चंस है उसको भी रीड करें और अपना डिसीजन बुक के नोट्स के साइड पे कहीं लिखते जाएं। ब्रेक के बाद दोबारा से हम डिस्कशन के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। जी पास कर दीजिएगा जी। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, स्टार्ट करें जी। चलिए बुक्स को बंद कर दें, कोई अहम चीज होगी उसको नोट कर लीजिएगा वरना अटेंटिव हो जाए। सर जी आज जरा लाइट्स बंद करके तो दिखाएं हमें, हो जाएंगे लाइट्स बंद इधर से, ये यहाँ से, यहाँ से जरा ट्राई कीजिए। हाँ शाबाश, अब ठीक है, इतना काफ़ी, इतना काफ़ी, इतना काफ़ी बस। क्वेश्चन 1, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की नेचर बतानी है। ए अक्रम कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बासित अप टू ₹1 मिलियन इन कंसीडरेशन ऑफ ₹20,000 एनुअल प्रीमियम इफ बासिस हाउस इज बर्न्ड। देखा मुझे तुम 20,000 एनुअल प्रीमियम दो, अगर तुम्हारा घर जला आग लगी तो मैं 1 मिलियन तक तुम्हें पे कर दूंगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जांपल कौन सी है भला? इंश्योरेंस वाले। शाबाश, ये वैलिड है कि वॉइड? कंटिंजेंट तो है, वैलिड है कि वॉइड है? कंटिंजेंट होना और चीज है, वैलिड या वॉइड होना और चीज है। क्या सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं? क्या सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं? कौन से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं? इम्पॉसिबल। पढ़ा है ऐसे जो कि कंटिंजेंट हो इम्पॉसिबल लिमिट के ऊपर, वो क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते हैं। तो ये पहला नेचर क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और वैलिड है, ये इंश्योरेंस की एग्जांपल। बी जावेद कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹50 मिलियन टू फरहान ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय एन आर्किटेक्ट। शर्त यह है कि एक आर्किटेक्ट प्रिपेयर करे कंस्ट्रक्शन। कंटिंजेंट है के नॉर्मल है? कंटिंजेंट है, क्योंकि उसने शर्त ऐड कर दी कि आर्किटेक्ट बनाएगा फिर पैसे मिलेंगे, आर्किटेक्ट के अलावा अगर कोई और बनाएगा फिर पैसे नहीं मिलेंगे। मेन एग्रीमेंट क्या है? घर बनाने का। घर घर ही है ना फरहान। बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने का मेन एग्रीमेंट, बिल्डिंग बनाने का। लेकिन शर्त क्या लगाई? कौन बनाए? आर्किटेक्ट बनाए, कोई अप्रूव्ड आर्किटेक्ट, वो बनाएगा तो फिर पैसे मिले। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा अगर यही कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता कि जावेद ने कहा है मैं 50 मिलियन फरहान को दूंगा, लेकिन उसी वक्त उसी सूरत में अगर वो बिल्डिंग बनाएगा, ये नॉर्मल। तो इसमें भी तो है कि अगर बिल्डिंग बनाएगा फिर पैसे मिलेंगे, इसमें भी तो है, लेकिन कोलैटरल इवेंट कोई नहीं, दोनों मेन इवेंट है, एग्रीमेंट। ठीक है, इस केस में कोलैटरल इवेंट क्या है? आर्किटेक्ट का अप्रूव करना। अगर कंस्ट्रक्शन अप्रूव करेगा आर्किटेक्ट तो फिर पैसे, यानी इसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का है, लेकिन कोलैटरल इवेंट क्या है? अप्रूवल बाय आर्किटेक्ट। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आर्किटेक्ट अप्रूव करेगा फिर पैसे मिलेंगे। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी वैलिड है कि वॉइड? वैलिड है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे चलते क्वेश्चन 2। आजम एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग फॉर बाबर फॉर ₹5 मिलियन ऑन द टर्म्स दैट नो पेमेंट शैल बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इज दिस ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? नॉर्मल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं है? कोलैटरल इवेंट नहीं है, ये तो कंसीडरेशन है। एक बंदा बिल्डिंग बनाएगा और दूसरा बंदा उसको पेमेंट करेगा, ये तो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है। कोलैटरल इवेंट तो है ही नहीं। कोलैटरल इवेंट तो तब होता जब वो कहता कि गवर्नमेंट जब अप्रूव करेगी फिर पैसे अदा करूंगा, उस सूरत में कोलैटरल होता। अभी ये कोलैटरल इवेंट नहीं है। क्लियर हुआ? ये समझ आती बात? कोलैटरल पिछले वाला भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का था, वो तो कंटिंजेंट था, उसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड थी। शाबाश, इसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन 3, वजीर सेड टू सोलत आई विल पे बाय स्पीड बोट्स वर्थ ₹10 मिलियन फ्रॉम यू इफ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट्स एट क्लिफ्टन बीच। बताइए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? है। इसमें मेन इवेंट कौन सा है? बोट्स बाय करने का। और कोलैटरल कौन सा है? लाइसेंस का, अगर वो लाइसेंस ले ले। अच्छा चलिए यहां तक समय आगे। सोलत एग्रीड एंड अप्लाइड फॉर द लाइसेंस एंड डिपॉजिटेड ₹1 मिलियन एज प्रोसेसिंग फी। सोलत ने एग्री कर लिया और उसे 1 मिलियन की प्रोसेसिंग लाइसेंस हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग फीस जमा करवा दी। हाउएवर बिफोर द इश्यूएंस ऑफ लाइसेंस द सिटी गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन ऑन द इश्यूएंस ऑफ न्यू लाइसेंस। सिटी गवर्नमेंट ने न्यू लाइसेंस पे बैन लगा दिया। सोलत वांट्स वजीर टू बाय द स्पीड बोट्स एज ही हैड मेड नेसेसरी एफर्ट्स टू अरेंज फॉर द लाइसेंस। अब सोलत वजीर को कह रहा भाई गाड़ी खरीदो ना, बोट खरीदो ना,
खरीदो ना, क्यों नहीं खरीद रहे? अब ये सोलत कह रहा है वजीर, अब वजीर क्या कहेगा बताओ, वजीर क्या कहेगा बोलो? लाइसेंस। अब सोलत क्या कह रहा है? लाइसेंस क्या? मैंने कोशिशें तो की है ना, बागडोर थोड़ी की है, मैंने एप्लीकेशन भी दे दी, मैंने प्रोसेसिंग फीस भी जमा करवा दी, अब गवर्नमेंट ने ही बैन लगा दिया है, तो मेरा कसूर थोड़ी है। हाँ, तो हमारा कसूर भी तो नहीं है ना। हम कहेंगे भाई हमने कंडीशन अटैच की थी, कंडीशन अटैच कर दी थी, इसलिए कंडीशन पूरी होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, उसी वक्त इनफोर्सेबल हो गए जब इवेंट हैपन होगा। अगर इवेंट हैपन नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग में लिखा हुआ ना कि ये कब इनफोर्सेबल होगा? जब हैपन होगा। इसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं है ना, तो रूल क्या था? इफ टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, तो कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग, टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, कब इनफोर्सेबल होगा? जब इवेंट हैपन होगा। इवेंट हैपन नहीं, बल्कि इंपॉसिबल हो गया। तो जब इवेंट इंपॉसिबल है तो फिर क्या था? नॉट इनफोर्सेबल लिखा हुआ ना? ना तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? नॉट इनफोर्सेबल। सोलह तो ये कहेगा बिग जैन, लेकिन नहीं, हाउएवर वजीर रिफ्यूजेस टू बाय द स्पीड बोर्ड फ्रॉम, वजीर बिल्कुल ठीक कर रहा है, जो उसने स्पीड बोर्ड नहीं, वो क्या करेगा? लाइसेंस तो है नहीं चलाने का, क्या करेगा? उसके साथ सेल्फी खिंचवाएगा? वो तो किसी काम के नहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या हो गया? वाइड हो गया। वाइड कैसे हो गया? एक मिनट, वाइड कैसे हो गया? वाइड नहीं हुआ, वैलिड है, वाइड हो गया क्योंकि लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन एग्रीमेंट तो लाइसेंस हासिल कर, एग्रीमेंट तो था बोट्स बेचने का, लाइसेंस कहां से आ गया? एग्रीमेंट है, लाइसेंस कहां से आ गया? गवर्नमेंट से मिलना था, तो वो मिले ना मिले, उसका बोर्ड से क्या ताल्लुक है? शाबाश, ये चीज उसने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन रखी हुई थी कि अगर लाइसेंस मिलेगा तो फिर बोर्ड खरीदेंगे, कंटिंजेंट कनेक्ट यही है। नहीं नहीं, कोलैटरल देखिए, कोलैटरल इवेंट होना जरूरी है, उसका रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। इस एग्जांपल में रिलेटेड है क्योंकि कश्ती चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है, लेकिन लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। मैं भाईजान से कहे तो भाईजान मैं आपसे आपको सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 20,000 रुपया के इवेज आपको सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, शर्त यह है कि आप कल टिंड करवा के आएंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? कोलैटरल इवेंट क्या है? टिंड करवाना। लेकिन क्या ताल्लुक है पढ़ाने का? कोई इससे ताल्लुक है? कोई कोई तर, तो याद रखिए जो कोलैटरल इवेंट है उसका मेन इवेंट के साथ ताल्लुक होना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। वो कोलैटरल इवेंट कोई भी हो सकता है, वो तो मर्जी है ना पार्टीज की। इसमें रिलेटेड था वो ठीक है। अभी जो एग्जांपल्स बढ़ा क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा है ना, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में नॉर्मली रिलेटेड, जैसे पिछले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले में हमने पढ़ा अप्रूव्ड आर्किटेक्ट होना चाहिए, ये लिंक कर रहा है, प्रैक्टिकल है। इसमें उसने कहा कैसे तब मैं बोर्ड खरीदूंगा लाइसेंस, लेकिन लाजमी नहीं है कनेक्टेड होना। कोलैटरल इवेंट का होना कनेक्ट, उससे लिंक होना लाजमी नहीं है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोलैटरल इवेंट होना लाजमी है, उसका रिलेटेड होना लाजमी, शाबाश शाबाश, रिलेटेड होना लाजमी नहीं है। समझ आती है बात? आगे चलें। सर, अगर अगर लाइसेंस उसने बनवा दिया, ठीक है, तो फिर एग्रीमेंट होगा। फिर अगर बाद में बोर्ड खराब हो जाती है, अच्छा सब्जेक्ट में डिस्ट्रॉय, यानी सुनामी आ जाती है और उसमें सारे बोर्ड तबाह हो जाती हैं, तो फिर भी ये वाइड हो गया, फिर भी वाइड, फिर वाइड। अब वो लेकिन इस वजह से वाइड नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट बॉन इम्पॉसिबल, वो डिस्ट्रक्शन की वजह से होगा। अब वो लाइसेंस की वजह से नहीं है, डिस्ट्रक्शन की वजह से हो गया, तो है तो भी है। हाँ, वो वाइड होगा, बिल्कुल वो वाइड होगा, वो भी वाइड होगा, ठीक है ना। रीजन की दूसरी है, लेकिन वो ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? याद रखे, जब कभी कोई भी एग्रीमेंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो और कंडीशन पूरी नहीं की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना हम पे लाजमी नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना हम पे लाजमी नहीं होता, ठीक है, उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाई नहीं होगा जी। हाँ, टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया ना। हाँ, अगर वो बाद में पूरा हो जाए तो फिर क्या आप बता सकते हैं कि रीजनेबल टाइम में कब पूरा होगा? ये तो वही बात हुई ना, बी ने सी से शादी की, तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद सी की डेथ हो जाए और बी वापस ए से शादी कर ले, हो तो सकता है, लेकिन आप बता सकते हैं कब ही होगा? नहीं हो सकता। जब आप रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते तो ला कहता है ये इम्पॉसिबल ही समझो इसको। तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, बैन कब उठेगा कुछ पता नहीं है, इसको इम्पॉसिबल ही समझना। अगर टाइम फिक्स हो 3 महीने के लिए बैन लगा है, तो फिर 3 महीने के लिए ये एग्रीमेंट सस्पेंड हो गया, 3 महीने के बाद रिवाइव हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ये। आगे 4, जुबैर एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट ए
बंगलो फॉर बैल फॉर पीस 20 मिलियन ऑन द कंडीशन दैट पेमेंट विल ओनली बी मेड आफ्टर मुनीर एन आर्किटेक्ट सर्टिफाइज दैट द बंगलो हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लेआउट प्लान. मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बंगला कंस्ट्रक्ट करना. कोलैटरल इवेंट क्या है? मुनीर का सर्टिफाई करना. डिस्क्राइब द नेचर एंड वैलिडिटी ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट. नेचर क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की? नेचर का मतलब होता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ. कंटीजेंट वैलिडिटी बताइए. लेकिन लेकिन कब इनफोर्सेबल है? ओनली अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी जब उन्हें सर्टिफाई करेगा तभी इनफोर्सेबल है, वरना इनफोर्सेबल नहीं है. ठीक है, आगे चले. अच्छा, और अगर इसमें मुनीर की डेथ हो जाए, इम्पॉसिबल हो गया ना, अब तो मुनीर सर्टिफाई नहीं कर सकता, अवॉइड हो जाएगा. इसलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मल ये चीजें भी लिखी जाती हैं कि अगर पार्टी की डेथ होगी तो उस सूरत में क्या होगा. ये भी एक बड़े, लेकिन ये चूंकि प्रैक्टिकल बात है तो वो बताने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है ना, आपको सिखा रहा है. प्रैक्टिकली सारी पॉसिबिलिटीज को कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होता है कि इस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, आसिम एग्री टू कंस्ट्रक्ट सारी कंस्ट्रक्शन की कंडीशन फॉर अली एट ए कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन. हाउएवर एग्री दैट पेमेंट वुड ओनली बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. इज दिस ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? गिव रीजन. ये तो पिछले वाला ही हो गया ना, पिछले वाले में भी यही था, तो वो भी वैलिड था, ये भी वैलिड होगा. वो भी कंटिजेंट था, ये भी कंटिजेंट है. नहीं, वो कंटिजेंट था तो ये भी तो कंटिजेंट. ये पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. क्या फर्क है प्रीवियस वाली एग्जांपल के कॉन्ट्रैक्ट में और इस एग्जांपल? इसमें कोई कोलैटरल इवेंट नहीं है. इसमें कह रहा है बंगला बनाओ और पैसे लो, ये तो कंसीडरेशन है एक दूसरे प्रोमिसेस की. इसमें कोई कोलैटरल इवेंट, समझ आ रही है ना? इसलिए ये है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड है कि वाइड? वाइड किस वजह से है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बात तो मैं मानता हूं. वाइड किस वजह से है? तो वैलिड है. ठीक है कि आप कंस्ट्रक्शन करेंगे और दूसरी पार्टी पेमेंट करेगी तो वैलिड है. आल्सो नेक्स्ट द रिक्विजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ही कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, बताइए कौन कौन से थे. कौन? एक मिनट, कोई ने जिससे पूछा वही बताए. फ्यूचर इवेंट, अनसर्टन इवेंट, कोलैटरल इवेंट. फ्यूचर पे बेस करना चाहिए, अनसर्टन होना चाहिए और कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. 6, कमेंट ऑन द इनफोर्सबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कह रहा है ये सारी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल्स है, आपने बताना है इनफोर्सेबल है क्या नहीं, और ये भी बताना है कि कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व था. असलम मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ए हॉर्स टू बकर इफ चांद टू हुम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूजेस टू बाय इट. चांद रिजेक्टेड द ऑफर. यानी असलम ने बाकर को कहा कि मैं घोड़ा बेचूंगा अगर चांद रिफ्यूज कर दे, क्योंकि ऑलरेडी चांद को ऑफर कर चुका होगा. चांद ने रिफ्यूज कर दिया. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें कोलैटरल इवेंट क्या था? चांद का रिफ्यूज करना. बताइए किस कैटेगरी में आएगा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग की नॉन हैपनिंग? मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो होगा. मुझे तो ये नॉन हैपनिंग लग रहा है. जब वो एक्सेप्ट ठीक है, ठीक है, उस लिहाज से भी सॉल्व हो जाए. ठीक है, हैपनिंग. तो इसका मतलब ये हुआ हैपनिंग अगर कर ले तो कब इवेंट ये इन्फोर्सेबल होगा? जब इवेंट हैपन हो जाए, यानी रिजेक्शन हो जाएगी. तो जब रिजेक्शन हो गई है तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है? यस है. अच्छा, नॉट इन्फोर्स नॉन हैपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करें फिर भी सेम कंक्लूजन निकलेगा. कंक्लूजन फिर भी सेम आएगा. बी, एंड्रियो कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे सम ऑफ मनी टू बेका इफ बेका मैरिज क्रिस्टोफर. क्रिस्टोफर डाइज बिफोर गेटिंग मैरिड. ठीक है, ये कंटिजेंट था बेका के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. ठीक है, लेकिन क्रिस्टोफर की डेथ हो गई, अब ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, वॉइड हो गया. अब ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है. क्लियर? क्योंकि डेथ होगी ना. कॉन्ट्रैक्ट अगर होने करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद वो इम्पॉसिबल हो जाए तो वो वॉइड हो जाता है. ये पता है ना, हमने पढ़ा हुआ. सी, आजम प्रोमिसेस टू पे ए सम ऑफ मनी टू बाबर इफ ए सर्टन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर. शिप रिटर्न्स कौन सा केस है? हैपनिंग ऑफ इवेंट, टाइम इज फिक्स्ड, 1 ईयर. ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा?
विद इन टाइम इवेंट, और कब इंफोर्सेबल नहीं होगा? जब विद इन टाइम इवेंट हैपन ना हो या इम्पॉसिबल हो जाए। ये क्या हुआ? शिप रिटर्न, यानी इवेंट हैपन हो गया तो इन्फोर्सेबल है। बिल्कुल है। इसका मतलब है आज हम बाबर को पैसे अदा करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अदील प्रोमिसेस टू पे सम ऑफ मनी टू बाबर बदर इफ ए सर्टन शिप्स रिटर्न्स विद इन अ ईयर। अच्छा, ये केस कौन सा है? एग्रीमेंट कंटिजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। टाइम इज फिक्स्ड, कब इन्फोर्सेबल होगा? अगर इवेंट हैपन हो जाए विद इन द टाइम। और कब इन्फोर्सेबल नहीं होगा? जब विद इन टाइम इवेंट हैपन ना हो या इम्पॉसिबल। अब बताइए, शिप संक्स, डूब गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब ये इन्फोर्सेबल है कि नॉट इन्फोर्सेबल? नॉट इन्फोर्सेबल। क्लियर हुआ? ये इसका मतलब है दोनों एग्जाम्पल्स हमारी इस कंसेप्ट की थी, इफ टाइम इज फिक्स की। आगे चले। अरसलान एग्रीज टू पे सम ऑफ मनी टू बुरहान इफ ए सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न। ये कौन सा कर? कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। टाइम फिक्स हुआ? टाइम नहीं हुआ। टाइम इज नॉट फिक्स, तो ये कब इन्फोर्सेबल होगा? इम्पॉसिबल हो जाए। तो बताइए, शिप डूब गई, इन्फोर्सेबल है? अब अरसलान पैसे देगा बाबर बुरहान को? बिल्कुल देगा। क्लियर हो रही है बात? एफ अमजद एग्रीज टू पे सम ऑफ मनी टू बासित इफ ए सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन अपॉन टाइम फिक्स या टाइम नॉट फिक्स? ये कब इन्फोर्सेबल होगा? कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। शिप वापिस आ गया, वो तो इवेंट हो गया, तो अब इसका मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है। समझ आ रही है आपको? वैसे आप डायरेक्ट भी आसानी के साथ कंक्लूजन कर सकते हैं। अगर मैं आपको इधर कंसेप्ट की तरफ ना लेके जाऊं तो आप फौरी कंक्लूजन ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं क्यों आपको कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं? ताकि कंसेप्ट भी रिवाइज होता रहे, वरना तो सीधा देख के कर सकते हैं, सर एग्री ये वो था, शिप वापस नहीं आएगी तो पैसे मिलेंगे, शिप वापस आ गया तो पैसे काहे के पैसे नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट कंक्लूजन आप ज्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लिंक क्यों कर रहा हूं कंसेप्ट के साथ? ताकि कंसेप्ट की रिवीजन होती रहे साथ साथ। नेक्स्ट जी, आलिया प्रोमिसेस टू पे सम ऑफ मनी टू बिनिश इफ ए सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। नॉन हैपनिंग और टाइम इज फिक्स, कब इन्फोर्सेबल होगा? इस टाइम में ना आए तब इन्फोर्सेबल होगा, और अगर इम्पॉसिबल हो जाए तब भी इन्फोर्सेबल होगा, तब भी इन्फोर्सेबल होगा। तो मुझे बताइए, शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, आगे उसने लिखा नहीं हुआ? नहीं नहीं, इसमें आगे लिखा ना, बताया नहीं उसने शिप वापस हुई है कि नहीं हुई। चले हम दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। आलिया ने प्रॉमिस किया बिनेश को कि अगर सर्टन शिप वापस ना आई एक साल में तो मैं तुम्हें पैसे दूं। अगर सर्टन शिप वापस नहीं आती तो आलिया पैसे देगी? अगर सर्टन शिप आ जाती है तो? और अगर सर्टन शिप डूब जाती है? इम्पॉसिबल हो गया, तो उसका मतलब है वो नहीं आई, तो पैसे देने पड़ेंगे। समझ आ रही है? ट्रिकी, कल भी कहा था, लेकिन अभी जितने हमने डिस्कशन कर लिए इसके बाद ट्रिकी होना नहीं चाहिए अभी, ठीक है? लेकिन अगर इसको हफ्ता बगैर पढ़े गुजार देंगे उसके बाद दोबारा ट्रिकी बन जाएगा, ठीक है? तो ये आपने दूसरे तीसरे दिन इसको रीड कर लेना। आगे चलते हैं। एश्विन प्रॉमिसेस टू पे सम ऑफ मनी टू बुमराह इफ ए सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। नॉन हैपनिंग, टाइम स्पेसिफाइड, क्या है? दोनों बातें डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये शिप एक साल में वापस नहीं आती, एशविन पैसे देगा। अगर शिप एक साल के अंदर वापस आ जाती है, पैसे नहीं देगा। और अगर शिप डूब जाती है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पूछूं आपसे, उसने कहा था साल के अंदर अगर शिप नहीं आती तो मैं पैसे दूंगा। शिप 7 महीने के बाद डूब गई, एशविन ने पैसे देने? अब बुमराह को देने पैसे, एग्री करते हैं ना? पैसे कब देने हैं? 7वें महीने या 12 महीने साल पूरा होने के बाद? 7वें महीने ही पे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो गया है। अब 12 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंफर्म है 12वें महीने में भी शिप वापस थोड़ी आ जाएगा। कोई डूबा और शिप कभी तैर के वापस नहीं आया, ठीक है? क्या पता निकला है। लेकिन फिर वही बात, रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ नहीं ना कह सकते आप। नेक्स्ट, अदनान एग्रीज टू पे ₹1000 टू बोरिस इफ ही कैन रन एट 500 किलोमीटर पर आवर। इम्पॉसिबल। अच्छा, वर्ल्ड
एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग भी वाइड है, एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल थिंग्स भी वाइड है। तो 500 किलोमीटर से दौड़ सकता है, मेरे ख्याल 50 किलोमीटर से नहीं दौड़ सकते है ना। बहरहाल उसने एहतियात 500 10। चलिए फिर अस्मा एग्रीज टू पे रुपीज 1000 टू बशीर इफ ही मैरीज अस्मास डॉटर चंदा। चंदा इज नॉट अलाइव एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अब ये बाद में हुआ, इम्पॉसिबल है, वॉइड हो गया। कमाल एग्रीज टू पे सम ऑफ मनी टू सरमद इफ सरमद मैरिज शाजिया। अच्छा अब ये बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है कंटिंजेंट है, यानी कमाल पैसे तब देगा जब सरमद और शाजिया की शादी। अब ये शादी दोनों के कंडक्ट पे डिपेंड करती है ना, लेकिन शाजिया का कंडक्ट कुछ और ही निकला। शाजिया ने क्या किया, शाजिया मैरिज दाऊद। अब मुझे ये कंसर्न आ गया ठीक है कि उसने कुछ ऐसा कंडक्ट किया, शाजिया ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिसकी वजह से सरमद से उसकी शादी अब इम्पॉसिबल हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वाइड हो गया। हालांकि बाद में अगर दाऊद की डेथ हो जाए या दोनों में सेपरेशन हो जाए तो शाजिया की शादी दोबारा सरमद से हो सकती है, लेकिन लॉ क्या कहता है इसको, चूंकि आप रीजनेबली सर्टन नहीं कह सकते इसलिए एग्रीमेंट ये खत्म हो गया, उसी दिन खत्म हो गया। क्या अच्छा भाई, नहीं शाजिया ने कोई गलत नहीं किया, शाजिया ने एग्रीमेंट किया ही नहीं था कोई, तो देख ले कोई गलत ऐसा ना कर थक गए हैं। चलिए अब हम क्या करने लगे हैं, मेरा ओके ये क्या है, कह रहे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को सेलेक्ट करना है। पहला कंटिंजेंट कॉन्टैक्ट्स आर ऑलवेज वैलिड, नहीं वाइड भी तो होते हैं, अगर कंटिंजेंट कॉन्टैक्ट इंपॉसिबल थिंग वाला हो जाए तो वाइड हो जाएगा। मे बी वैलिड, यस मे बी वैलिड, मे नॉट बी वैलिड। अच्छा मे बी वैलिड और मस्ट बी वैलिड में फर्क पता ना आपको, तो कल परसों एक क्वेश्चन में आपने डिस्कशन की थी, मस्ट का मतलब क्या होता है कि हमेशा यही होगा, मे का मतलब है हो सकता है हो सकता है ना हो। यहाँ पे अगर उसने मस्ट बी वैलिड लिखा होता वो गलत, ऊपर वाला ऑलवेज वो गलत है। मे बी वैलिड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे बी वाइडेबल नहीं गलत, वाइडेबल नहीं होता ये तो वैलिड है हमारा। मे बी अनइनफोर्सेबल ये मुझे लग रहा है कि ये भी ठीक हो सकता है, मे बी अनइनफोर्सेबल हो सकता है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट हो अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और वो इवेंट हैपन ना हो अनइनफोर्स। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मे बी वैलिड भी है और मे बी अनइनफोर्सेबल भी। अब देखें हाँ ये इसीलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट का लफ्ज आता है कि जब दो चीजें आपको ठीक लग रही है तो जो ज्यादा बेहतर लग रही है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे बी भी ठीक लगा, डी भी। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में मोस्ट एप्रोप्रिएट बी है और कितने ख्याल में डी है, डी आपका क्या ख्याल है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कंसेप्ट की टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा ओपिनियन दिया करे ठीक है। गलत जवाब देना जवाब बिल्कुल ना देने से बेहतर है, जवाब बिल्कुल ना देने से गलत जवाब देना, क्योंकि गलती करने से हम सीखते हैं, जब गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं। सेकंड परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट, तो इसमें बी मेरा भी यही ख्याल है, मैं बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। सेकंड परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ सम, यस नॉन हैपनिंग ऑफ सम, ये भी ऐसा है। तो अब क्या करें, सी ढूंढे हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, ये भी ठीक है। डी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठीक। मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सी है, डी ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव, हाँ ऑल ऑफ द अबव की बजाय उसने पूरी स्टेटमेंट ही ऐड करके दे दी, तीनों को मिलाकर स्टेटमेंट दे दी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड अच्छा चलिए आगे चलते हैं, एग्रीमेंट टू पे मनी
without having any other interest on the happening or non-happening of some future event is waging. ये तो confirm है. Party waging agreement की निशानी है ना. Parties do not have real interest. ना भाई कंसेप्ट तो सारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो छुट्टी होगी, उससे पहले नहीं होगी. सी क्लियर. फोर कंटिजेंट कॉन्टेक्ट्स आर एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब है जो सर्टन हो, वैलिड हो. बी पार्टली एब्सोल्यूट कॉन्टेक्ट. सी कंडीशनल कॉन्टेक्ट. डी ना ना बिल्कुल कंडीशनल. कंटिजेंट कॉन्टेक्ट कंडीशनल कॉन्टेक्ट. सी करेक्ट. फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. All contingent contracts are not wagering in nature. Yes, सही है, सही कह रहे. सारे contingent wagering नहीं होते, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते. सही कह रहे. तो ए ऑप्शन तो ठीक होगी, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं क्यों ठीक है. ठीक नहीं है. Contingent contracts and wagering contracts are one and the same thing. नहीं फर्क है. फर्क contingent contract हो रहा है, wagering हो रहा है. फर्क है ना. बताइए क्या फर्क है. MCQ भाई इतने आसान MCQs हैं, तो MCQs के साथ revision भी तो होनी चाहिए. बताइए क्या फर्क है. कंटिंजेंट और नहीं, आज हो जाएगा चैप्टर खत्म, बेफिक्र है. कंटिंजेंट और वेजरिंग में फर्क बताएं. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रियल इंटरेस्ट होता है, वेजरिंग में रियल इंटरेस्ट नहीं होता. कंटिंजेंट वैलिड होता है, वेजरिंग वर्ल्ड है. और कंटिंजेंट में कलेटरल इवेंट होता है, वेजरिंग कलेटरल इवेंट नहीं. कंटिंजेंट में रियल इंटरेस्ट होता है, वेजरिंग में. और वो क्या कह रहा है, कह रहा दोनों एक ही चीज है. मैं पागल हूं, दोनों एक चीज नहीं है, फर्क है दोनों. तो ये बी गलत है. सी contingent contracts are absolute contracts. Contingent contracts are not conditional contracts. नहीं वो तो yes conditional contract है. तो 5 में correct option क्या है हमारी. 6 contingent contract is based on an event which is uncertain, certain to happen, partly uncertain, partly certain. No uncertain. A option correct. 7 contract of insurance is ये तो कंटिजेंट. ये दो ही तो एग्जांपल्स पड़ी है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की. कौन कौन सी. तो 7 में करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी. बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. 8 मिस्टर एक्स एग्रीज टू पे ए सर्टेन सम टू मिस्टर वाई इफ मिस्टर वाई ब्रिंग्स ऑन अर्थ ए स्टार फ्रॉम स्काई. एग्रीमेंट्स कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल वाइड एग्रीमेंट. शाबाश. 9 मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे मिस्टर बी सम ऑफ रुपीज 20,000 इफ द हाउस गेट्स ऑन फायर. इट इज ये इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में इसी तरह होता है ना. और इंश्योरेंस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी. बी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये बाइलेटरल एग्रीमेंट क्यों नहीं है. हाँ क्योंकि बाइलेटरल भी दोनों पार्टीज कर रही हैं. बायलैटरल लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट कंटिजेंट क्योंकि ये वैलिड है ना. वैलिड है इसलिए इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज करें एग्रीमेंट की बजाय. तो दोनों में से मोस्ट एप्रोप्रिएट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. 10 इन ए कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन टाइम फिक्स्ड बाय पार्टीज. कौन से वाला पूछ रहा है. टाइम फिक्स किया नॉन हैपनिंग के ऊपर. कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा. जब इवेंट विद इन टाइम अकर नहीं हो या इम्पॉसिबल हो जाएगा. दस के दस MCQs में से ये मुझे पसंद है. यही काम का है ये. थोड़ा सा जिसमें सोचना पड़ता है. नहीं बाकी छोड़ना दे कर तो लिए हैं बाकी. Only if the event happens within time fixed. No. Only if time expires or event becomes impossible before the time expires. Yes. Only if the event becomes impossible. नहीं. Only if the event happens. नहीं. B. अच्छा B C भी तो ठीक है. B most appropriate है. शाबाश. चलिए ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए. चलिए कल इंशाल्लाह चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे. आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम. अल्लाह हाफिज़.